नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं की बात मोटी न्यूज, जो हमेशा कुछ ना कुछ खास लेकर आपके लिए आता है। और आपके लिए जहाँ ज्ञान हो, इस वीडियो का मकसद इस विषम परिस्थिति जहाँ देश में पूरी तरफ लॉकडाउन हो गया है, आपको जागरूक करना है। ये सीन जो आप देख रहे हैं किसी रेड या पुलिस प्रशासन के साथ में कहीं किसी क्राइम या दहशत के लिए, छापेमारी के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश में COVID-19 से प्रभावित लोगों की संख्या जैसा कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर चुका है। अब ऐसे में इसके फायदे क्या हैं, इसके बचाव हेतु क्या प्रबंध किया जाना चाहिए, अगर बात की जाए तो वैसे में भारत की एक बड़ी आबादी गरीब, दलित, दैनिक मजदूरों की है, जो आज 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। सबको घर के अंदर रहना है और बाहर जाना भी नहीं है। ऐसे में जिनके पास रोज़ कमाना है, रोज़ खरीदना है, रोज़ खाना है, तो फिर ये क्या अपने जीवन ये आप कैसे बिताएंगे और कैसे कर पाएंगे। वैसे में हमारे समाज में बहुत सारे समाजसेवी, NGO, मानव सेवा का जज्बा रखने वाले लोग इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण के साठी स्थित सेमरी का NGO इंसान वेलफेयर फाउंडेशन की। जिसकी सेवाएं पूर्व में भी गरीब असहाय लोगों के लिए बहुत ही प्रशंसनीय रही है और शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये इंसान वेलफेयर फाउंडेशन। अपनी सेवाएं प्रदान करता है। आज लॉकडाउन में इंसान वेलफेयर फाउंडेशन की टीम साथी के दलित बस्तियों में नेटवा टोली हुआ, भांगा टोली हुआ या डोम टोला हुआ, यहाँ पर जाके आज रहा सामग्री और COVID-19 से बचाव के तरीके और जागरूकता फैलाने के लिए कुछ राहत सामग्री का वितरण किया। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस अवसर पर साथी थाना के अध्यक्ष श्री राजू मिश्रा और सब इंस्पेक्टर श्री मुमताज आलम भी साथ साथ रहे और बड़ी ही अहम और सराहनीय भूमिका हमारे प्रशासन की भी रही और बार बार प्रशासन के लोग भी इस दलित बस्ती में लोगों से ये अपील कर रहे थे कि लॉकडाउन को कैसे सफल बनाया जाए और COVID-19 कोरोना वायरस से बचने के जो तरीके और उपाय थे उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा था और जागरूक कर रहे थे। इस इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के इस राहत सामग्री वितरण में इसकी बड़ी विशेषता ये थी कि एक मेडिकल की टीम भी साथ में थी, जिसका नेतृत्व हमारे यहाँ चंपारण के लौरिया PSC के चिकित्सा पदाधिकारी श्री डॉक्टर साकिब आलम भी साथ में थे। वो खुद स्वयं इस राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे थे और लोगों को जागरूक करने के लिए बार बार अपील किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप अपने घरों में बने रहें, किस तरह से अपना बचाव करेंगे, सफाई का, स्वच्छता का, गर्म पानी पिए, मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, ये बार बार लोगों के सामने बताया जा रहा था और सबको जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक बात यह है इंसान वेलफेयर फाउंडेशन की, तो ये पूरी टीम थी, हम खुद साथ में थे और हमने इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शोएब कमाल से हमने बात की और पूछा कि इस तरह की सेवाएं आप दे रहे हैं कैसा लगता है आपको। उन्होंने कहा सीधा कि ये इंसान वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक सेवाओं के लिए ही हमने बनाई है और इस फाउंडेशन का मकसद
समाज में परिवर्तन शिक्षा के प्रति हो या समाज के प्रति हो, मेंटेन करना है हमको। और कोई भी विपदा आपदा की घड़ी में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की मदद करें और हम सामने आएँ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। आप समझ सकते हैं कि विषम परिस्थिति में जहाँ दलित बस्तियाँ हैं, धांगड़ लोग जो समाज के मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं और अशिक्षित लोग, उन्हें कौन समझाएगा किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। तो बड़ा ही सराहनीय कहिए कि काज कहा जा सकता है इंसान वेलफेयर फाउंडेशन का। और इस फाउंडेशन के सेक्रेटरी अबुलैज साहब ने कहा कि हमारे जैसे और सारे बहुत सारे लोग हैं, जियोज हैं, जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, आज ज़रूरत है उन्हें आगे आने की और समाज के प्रति संवेदनशीलता। और इस भीषण परिस्थिति में जहां दैनिक मजदूरों की बड़ी आबादी हमारी आसपास में रह रही है जो भूखे सो रहे हैं, उनके लिए भी कार्य होनी चाहिए और उनकी मदद की जानी चाहिए। बड़ा सराहनीय रहा डॉक्टर शोएब साहब इस टीम में रहे और इस इंडियन वेलफेयर फाउंडेशन के जॉइंट सेक्रेटरी बशीर आलम साहब में थे और प्रशासन के अधिकारी लोग, पुलिस बल थी और बड़ी अच्छा कोऑपरेटिव माहौल था, बहुत अच्छा सपोर्ट था। साकिब अफजल साहब जो चिकित्सा प्रभारी हैं, उन्होंने बार बार लोगों से अपील की कि किस तरह बचाव करना है, किस तरह आपको रहना है, कि कोरोना की इस जंग में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और कैसे जीतेंगे। ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो और लगा हो कि हाँ इसमें कुछ ज्ञानपूर्वक बातें हैं, तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और अपने आसपास के अपडेट्स भी आपको देखने सुनने को मिलेगा। और ज़रूर हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।